एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गाड़ी पर हमला हुआ है। गुजरात में राहुल की गाड़ी पर पथराव हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी, जिस दौरान इसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे राहुल। ये सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार, और आप देख सकते किस तरह से पीछे का जो शीशा है पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया। जिस समय पथराव हुआ उस समय राहुल गांधी अंदर मौजूद थे, और ये खून के धब्बे भी आप देख सकते हैं यहां पर, ये निशान कुछ दिखाई दे रहे हैं इस गाड़ी के भीतर। हर तरफ कांच ही कांच है और काले झंडे भी राहुल को दिखाए गए। और अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं सुनते हैं। वी कंडेम्ड अनइक्विवोकली अक्रॉस द बोर्ड बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी। इट हैज टू बी कंडेम्ड एंड सीन फॉर व्हाट इट इज, एन अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल रेजिम व्हिच ब्रुक्स एंड कैन नॉट स्टैंड एनी डिसेंट, any show of independence, and a ruling party which believes only in yes persons and puppets. मैं बड़े खेद के साथ आपके समक्ष एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना जो कुछ घंटों पहले हुई है रखना चाहता हूं, क्योंकि ये भारत के लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक संस्कारों, संस्कृति और इतिहास के बिल्कुल विरुद्ध है। अभी कुछ समय पहले श्री राहुल गांधी जो बाढ़ से पीड़ित इलाकों में गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गए थे, धनेरी गांव में लाल चौक से निकल रहे थे, उनके गाड़ियों पे सीमेंट ब्रिक्स के साथ बीजेपी सत्तारूढ़ प्रदेश और सत्तारूढ़ केंद्र की पार्टी के गूंज ने, असामाजिक तत्वों ने घृणात्मक रूप से हमला किया। गाड़ियां टूटी, उनके कांच टूटे और एक एसबीजी व्यक्ति को हल्की सी इंजरी भी हुई है। लेकिन मूल मुद्दा दूसरा है। मूल मुद्दा यह है कि बनासकांठा में अकेले डिस्ट्रिक्ट में 70 मृत्यु हुई हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित और दुष्प्रभाव जो हुआ है बाढ़ का वो इस इलाके में हुआ है। 200 मृत्यु हुई हैं गुजरात में। 1,000,00,000 करोड़ों का नुकसान हुआ है। हजारों लोग एक डिस्ट्रिक्ट में बेघर हुए हैं। मुख्यमंत्री उस प्रदेश के 5 दिन तक 6 दिन तक वहां गए नहीं। उसी प्रदेश के प्रधानमंत्री वहां पर स्टॉप ओवर विजिट में भी नहीं गए। और जब कोई राजनीतिक पार्टी का, प्रतिद्वंदी पार्टी का हो, अगर वहां जाने की जरूरत करता है, तो इस देश की संस्कृति और संस्कार ये नहीं है कि हम उस पे सीमेंट ब्रिक्स के साथ आक्रमण करें। ये इस लोकतंत्र के रिवाज के विरुद्ध है। ये शायद बीजेपी और सरकार को इसका इल्म न हो, लेकिन उनको भारत का इल्म नहीं है, इसलिए इन चीजों की ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूं ये सर्वोपरि रूप से भर्त्सना योग्य है। कड़े से कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करना आवश्यक है, और ये दिखाता है, प्रतीत करता है बीजेपी का सही चाल चरित्र और चेहरा, उनकी असहिष्णुता, गैर लोकतांत्रिक, गणतंत्र के विरुद्ध मूल्य, और किसी रूप से सिवाय यस मैन और खिलौनों के कोई व्यक्ति स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र सोच या स्वतंत्र काम न करे, इस भावना को प्रतीत करता है। सर एक सवाल है कि राहुल गांधी की गाड़ी हमारे पास, क्या इसी में राहुल गांधी थे और क्या उनको भी कुछ चोटाई है, कुछ सूचना है? जहां तक हमारे पास अभी सूचना है, श्री राहुल गांधी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन मुद्दा चोट का बिल्कुल नहीं है। क्या अगर कोई हमला करे और किसी की मृत्यु हो उसके बाद वो दंड होता है, या हमला अपने आप में, और वो भी किस चीज का हमला? एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक अभियान चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति जाके किसी बाढ़ पीड़ित का मिजाज पूछता है, हाल पूछता है, समर्थन देना चाहता है, ये क्या देश स्वतंत्र नहीं है कि मैं जहां चाहूं जा सकूं, जो चाहूं देख सकूं
और कानून की परिधि में जो चाहूं बोल सकूं, इसके लिए क्या मेरे को आपकी अनुमति की जरूरत है? और अगर अनुमति आपसे नहीं मांगूंगा तो आप पत्थर फेंकेंगे, मेरे गाड़ियों पर हमला करेंगे? ये हमारे देश का अपमान है, हमारे मूल्यों का मजाक है। अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने यह करतूत की और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बनासकांठा का रूनी गांव है ये, और हमले के बाद राहुल गांधी इसी गांव में पहुंचे। आप देख सकते हैं जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में वो बैठे थे उसका कितना बुरा हश्र हुआ है उसके बाद बनासकांठा के रूनी गांव में। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गाड़ी पर हुआ है पथराव। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।